हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स का क्लास देख रहे हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स में हमने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया था। प्रीवियस क्लासेस में हमने आपको ये बोला था कि फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है, फ्लूइड और मैकेनिक्स दोनों का अलग अलग रोल क्या है। आज हम फ्लूइड मैकेनिक्स की बातें करने जा रहे हैं, अब डिटेल्ड में। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक कंसेप्ट क्लियर करेंगे। कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, कोई हड़बड़ी में नहीं है, बड़े आराम से पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि अगर आज आपका आज की क्लास के बाद निकलिएगा तो कोई आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि भाई फ्लूइड किसे कहते हैं, व्हाट इज फ्लूइड, फ्लूइड हम कहते किसे हैं, फ्लूइड है क्या। अगर किसी ने आपसे यह क्वेश्चन पूछा तो क्या आंसर दिया जाए, सबसे पहला चीज ये जानी ध्यान से, फ्लूइड हम किसे कहते हैं। तो बोला द सब्सटेंस विच कैन फ्लो, द सब्सटेंस विच कैन फ्लो। तो किसी ने पूछा क्यों भाई, क्यों फ्लो, व्हाट इज द कॉज बिहाइंड दैट, क्योंकि बिना कारण के तो कुछ होता नहीं है। द सब्सटेंस विच कैन फ्लो बाय द एप्लीकेशन ऑफ स्मॉल शियर फोर्स ऑल्सो इज कॉल्ड फ्लूइड। समझ में आ गया बात, बिल्कुल आराम से समझिएगा इस चीज को। वो सब्सटेंस जो कम से कम शियर फोर्स के कारण भी मूविंग कंडीशन में आ जाए तो उसे हम कहते हैं फ्लूइड, दैट इज नोन एज फ्लूइड। अगर कोई पूछ दे कि सर फ्लूइड का एग्जाम्पल कुछ बता सकते हैं क्या, हमने बोला बिल्कुल बता सकते हैं। एक एग्जाम्पल आप ले लो लिक्विड और एक एग्जाम्पल आप ले लो गैस। लिक्विड एंड गैस आर द एग्जाम्पल ऑफ फ्लूइड। बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब अगर कोई पूछ दे कि ठीक है सर लिक्विड और गैस फ्लूइड है, सॉलिड लिक्विड और गैस में क्या अंतर होता है, हमने आपको बताया था कल कि सॉलिड जो होता है उसमें कोहेसिव फोर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, लिक्विड में विथ रिस्पेक्ट टू सॉलिड कोहेसिव फोर्स की वैल्यू थोड़ी सी कम होती है, इसी कारण से लिक्विड की फ्लोएबिलिटी ज्यादा होती है। गैसेस में कोहेसिव फोर्स ऑलमोस्ट ऑल नेग्लिजिबल होता है और इसी कारण से गैसेस में अगर हम बात करें तो फ्लोएबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। फ्लूइड वो सब्सटेंस है जिस पे अगर शियर फोर्स नहीं लगेगा, तो फ्लूइड रेस्ट में रहेगा। इफ द वैल्यू ऑफ शियर फोर्स विल बी जीरो, if the value of shear force will be zero, then fluid will be at rest। ये ध्यान रखिएगा, जब भी आप एग्जाम में नोट्स लिखते हैं तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, कुछ पॉइंट्स जो होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको आपको अंडरलाइन करते चलना है। जैसे इस डायग्राम में, इसमें अगर हम कोई बात करें तो हम क्या अंडरलाइन करेंगे, ये देखिए ध्यान से। हमने कहा क्या कि द सब्सटेंस विच कैन फ्लो बाय द एप्लीकेशन ऑफ स्मॉल शियर फोर्स ऑल्सो इज कॉल्ड फ्लूइड। हम बता रहे हैं कि भाई ये दोनों लाइन पढ़ लीजिए, काम खाफ खत्म, और एक ये पॉइंट मार्क करके रख देंगे, बस खत्म कहानी। इसे कहते हैं हम फ्लूइड। अब अगर हम बात करेंगे सर प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड की बात करें तो बोला बिल्कुल करें प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड की बात। बोला सबसे पहले बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है फ्लूइड की, इसकी बात करने जा रहे हैं आपसे। बेसिक प्रॉपर्टीज, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, इसकी बात करने जा रहे हैं। तो सबसे बेसिक प्रॉपर्टी आती है डेंसिटी। डायमेंशनल एनालिसिस में बहुत रोल प्ले करेगा, इसी कारण से बड़े आराम से समझिएगा। सबसे बेसिक प्रॉपर्टी आती है डेंसिटी। किसी ने पूछा कि फ्लूइड की डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, अगर बात करें तो डेंसिटी, अगर हम बात करते हैं तो डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं, समझिएगा ध्यान से।
डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं रो से, ये होता है आपका रेशियो है डेंसिटी मास और वॉल्यूम का। बोला गया मास ऑफ द फ्लूइड प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम, किसी इकाई आयतन में जो मास प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं डेंसिटी। बोलते हैं ना कोई चीज बहुत डेंस है, डेंस होने का मतलब हुआ कम वॉल्यूम में ज्यादा मास है, डेंसिटी कम है तो वॉल्यूम ज्यादा है और उसके कंपैरिजन में मास कम है, क्लियर। तो अगर हम डेंसिटी की बात करते हैं तो डेंसिटी रो इक्वल्स टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। एम स्टैंड्स फॉर मास, ध्यान रखिएगा, एम स्टैंड्स फॉर मास एंड वी स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम। अब कल हमने आपसे बात किया था यूनिट एंड डायमेंशन का, जिसका जिक्र हम आज आपसे करने जा रहे हैं, बिल्कुल आराम समझिएगा। किसी ने पूछा डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, बड़े आराम से लिखिए ध्यान से, यूनिट। तो अगर हम यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट मास है, मास की यूनिट कल हमने आपको बताया था क्या होता है, केजी, केजी। और वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब, तो केजी पर मीटर क्यूब इज द यूनिट ऑफ डेंसिटी, केजी पर मीटर क्यूब इज द यूनिट ऑफ डेंसिटी। नाउ किसी ने पूछा भाई इसका डायमेंशन बता दो, तो इसके डायमेंशन की अगर बात करते हैं हम, अगर हम इसके डायमेंशन की बात करते हैं तो केजी है तो एम, मीटर है तो एल माइनस थ्री, एम एल माइनस थ्री, दैट इज द डायमेंशन ऑफ डेंसिटी, क्लियर। अब किसी ने बोला कि सर एक बात बताइए मुझे कि अगर हम प्रेशर चेंज करेंगे तो क्या डेंसिटी पे फर्क पड़ेगा, अगर हम वॉल्यूम चेंज करेंगे तो क्या डेंसिटी पे फर्क पड़ेगा, हमने बोला बिल्कुल पड़ेगा। अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो क्या डेंसिटी पे फर्क पड़ेगा, बोला बिल्कुल पड़ेगा। कैसे पड़ेगा सर, क्या चेंज होगा, इसकी बात करने जा रहे हैं हम। मतलब हमारा जो टॉपिक है अभी इसी में डेंसिटी में ही, कि वेरिएशन ऑफ, वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विथ प्रेशर एंड टेम्परेचर, विथ प्रेशर एंड टेम्परेचर, प्रेशर एंड टेम्परेचर के साथ डेंसिटी कैसे वैरी करता है, बिल्कुल आराम से समझिएगा, बड़ा रटने वाला चीज ही नहीं है ये। हमने लिखा यहां पे डेंसिटी, देखना ध्यान से, हमने यहां पे लिखा क्या डेंसिटी रो, और हमने कहा क्या कि हमने प्रेशर को कर दिया इंक्रीज। जब हम किसी चीज के प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं मतलब उस चीज को हम दबा रहे हैं, कॉम्प्रेस कर रहे हैं, और जब कॉम्प्रेस करेंगे तो वॉल्यूम कम होगा, ऑब्वियस सी बात है, जब कॉम्प्रेस करेंगे तो वॉल्यूम कम होगा। और यहां से हमें यह पता चल रहा है कि डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यह हमें यहां से पता चला है इस फॉर्मूले से। तो अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज, क्लियर। तो अगर हम डेंसिटी की बात करते हैं तो डेंसिटी इंक्रीजेस, क्योंकि मास की वैल्यू तो फिक्स है, हमने फिक्स मास कर दिया, एक तरफ से कंटेनर को फिक्स, एक तरफ से दबाओ, दबाओगे तो वॉल्यूम कम होते जाएगा, मास उसी में एक्युमुलेट होगा, मास पास पास आएंगे, और जब पास पास आएगा तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, डेंस होते चला जाएगा चीजें, क्लियर। अब देखो ध्यान से, दूसरा कंसेप्ट यह कहता है कि सर टेम्परेचर की कहानी बताइए ना, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इसका मतलब किसी चीज को हम गर्म कर रहे हैं। अब जब किसी चीज को हम गर्म करेंगे तो चीज फैलेगा, एक्सपैंड होगा, और जब एक्सपेंशन होगी तो वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा, और अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा तो डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी, बिकॉज डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये हो गया आपका दूसरा कंसेप्ट, ये सब की पॉइंट्स हैं, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये सब अगर आप लिख देंगे तो नंबर कहीं नहीं जाना है आपका। विथ इंक्रीज इन प्रेशर डेंसिटी इंक्रीजेस बिकॉज वॉल्यूम डिक्रीजेस, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर डेंसिटी डिक्रीजेस बिकॉज वॉल्यूम इंक्रीजेस, क्लियर सी बात है।
अब कोई पूछ दे आपसे कि अच्छा पानी की डेंसिटी कितनी होती है, ये मुझे बताओ, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, आप बताइएगा उसको क्या पता है। एट 4 डिग्री सेल्सियस अगर हम बात करें तो देखो ध्यान से, एट 4 डिग्री सेल्सियस द डेंसिटी ऑफ वाटर, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी की डेंसिटी सबसे अधिक होती है। हमने बोला कितनी होती है पूछा था, ठीक है, एट 4 डिग्री सेल्सियस डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, खुद मैक्सिमम होती है, कितनी होती है वैल्यू, एंड इट्स वैल्यू इज, एंड इट्स वैल्यू इज 1000 kg per meter cube, 1000 kg per meter cube। ये भी एक की पॉइंट है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो बिल्कुल आपको ये सब चीजें भूलना नहीं है, ये सब भूलना अपराध की कैटेगरी में आ जाएगा आपके लिए, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ये सब चीजें अगर भूल जाते हैं तो ये सब अपराध काउंट होगा। अब देखिए ध्यान से, 1000 kg per meter cube यहां लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना, यहां लिखा हुआ है 1000 kg per meter cube। आपसे किसी ने कहा ग्राम पर सीसी में दिया रहता है बहुत टाइम, तो क्या करेंगे, तो देखिए ध्यान से, अगर हम बात करेंगे 1000 kg per meter cube, तो देखिए ध्यान से, 1 kg की अगर बात करते हैं तो उसमें होता है 1000 ग्राम, 1 kg equals to 1000 ग्राम, तो 1000 पहले से पड़ा हुआ है, तो यहां हो गया 10 to the power 6 ग्राम। 1 meter = 100 cm, तो अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा 10 to the power 6 cm³। तो इसका मतलब हो गया 1000 kg per meter cube equals to 1 gram per cc। अब इस पे भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं, ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल्स इस पे भी बन जाते हैं। तो ये सब चीज पॉइंट्स हो गए जो कि आपको ध्यान रखना है, क्लियर। अगर किसी ने पूछा डेंसिटी को एक्सप्लेन करो और इस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल दे दिया, मास दे दिया, वॉल्यूम दे दिया, पूछ दिया कि डेंसिटी कितनी है, तो आप बता सकते हैं बड़े आराम से, ठीक है ना। तो इस चीज को बड़े ध्यान से आपको रखना है ध्यान में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, एक टॉपिक और लेते हैं छोटा सा। अगर हम बात करें यहीं से डेंसिटी के बाद, दूसरी टॉपिक जो आती है वो है आपका स्पेसिफिक वेट डेंसिटी, वेट डेंसिटी। या इसे स्पेसिफिक वेट भी कहते हैं, स्पेसिफिक वेट। इसे डिनोट करते हैं हम गामा से, ध्यान रखिएगा, इसे हम डिनोट किससे करते हैं, गामा से। ये आपका पहला था, ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ये आपका सेकंड पॉइंट चल रहा है। अब जैसे ही हमने वेट डेंसिटी लिखा ना, बच्चे पूछते हैं सर कोई मास डेंसिटी नाम की भी चीज होती है क्या, हमने बोला बिल्कुल होती है छोटू, जो अभी आपने डेंसिटी पढ़ा है वही तो है मास डेंसिटी, यही जो आपने डेंसिटी पढ़ा है ना यही है मास डेंसिटी, ध्यान रखिएगा। वेट डेंसिटी की अगर बात करते हैं या स्पेसिफिक वेट की, तो देखिएगा ध्यान से, गामा इक्वल्स टू होता है वेट अपॉन वॉल्यूम, वेट अपॉन वॉल्यूम, ये होता है आपका गामा, दैट इज वेट अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। W स्टैंड्स फॉर वेट, और V स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम, V जो है वो क्या है आपका वॉल्यूम, ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब किसी ने अगर पूछ दिया कि सर इसकी यूनिट क्या होती है, तो बड़ा आराम से बताएंगे इसकी यूनिट भी, अगर आप रटे नहीं है तो यूनिट, तो W क्या है वेट, और वेट क्या होता है फोर्स, वेट है फोर्स, क्लियर। तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और वॉल्यूम की यूनिट क्या हो गई, मीटर पर मीटर क्यूब, नहीं वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब। अब अगर किसी ने पूछा सर इसके डायमेंशन बता दें, अब होगी समस्या, क्योंकि न्यूटन जब है तो उसका डायमेंशन क्या लिखें, अगर न्यूटन लिखा हुआ है तो इसकी डायमेंशन क्या लिखने जाए, समस्या नहीं है,
फोर्स बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, और मास की यूनिट होती है केजी और एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को खोजने वाला बंदा था न्यूटन, और इसी कारण से केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही कहते हैं न्यूटन। तो ऑब्वियस सी बात है न्यूटन की जगह पे ये लिख दीजिए, और यहां पे एक मीटर क्यूब पड़ा हुआ है पहले से, तो देखो ध्यान से एक मीटर तो हो गया कैंसिल, तो केजी का हो गया एम, मीटर हो गया एल, ऊपर गया तो माइनस टू टी माइनस टू, एम एल माइनस टू टी माइनस टू, ये हो गया इसका डायमेंशन। कितना सिंपल सा था, ये हो गया इसकी डायमेंशन। ठीक है, अब इससे थोड़ा सा आगे हट के बात करते हैं, इससे थोड़ा सा आगे हट के बात करते हैं। अगर हमसे किसी ने बोला सर वेट बराबर, अगर हम वेट की बात कर रहे हैं तो वेट बराबर यह भी तो होता है मास इंटू वॉल्यूम, वेट बराबर मास इंटू सॉरी एम इंटू जी ना, मास इंटू वॉल्यूम क्यों, एम इंटू जी भी तो होता है। हमने कहा बिल्कुल होता है। तो सर जहां पे आपने वेट लिखा है क्या हम एम इंटू जी नहीं लिख सकते हैं, हमने बोला लिख सकते हो, स्वतंत्र भारत के नागरिक हो, बिल्कुल लिख सकते हो, तो लिख दो ना यहां उठा के। तो गामा इक्वल्स टू हो गया एम जी और अपॉन यहां पे हो गया वॉल्यूम वी, और जैसे ही ये लिख दिया ना तो याद है सर एम बाई वी है, और एम बाई वी को तो हम डेंसिटी कहे थे अभी जस्ट, एम बाई वी इक्वल्स टू डेंसिटी, तो इसका मतलब क्या हम यहां रो लिख सकते हैं, हमने बिल्कुल यही बताना चाह रहे थे कि यहां लिख दो रो इंटू जी। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये फ्लूइड मैकेनिक्स में कि जब हम पढ़ेंगे प्रेशर मेजरमेंट, जब हम पढ़ेंगे बॉयोन्सी, जब हम पढ़ेंगे आपका बर्नौलीज इक्वेशन, तो अब हर जगह आपको गामा की वैल्यू दी रहेगी, और गामा क्या है स्पेसिफिक वेट, ध्यान रखना आपको गामा क्या है स्पेसिफिक वेट, तो कहीं कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा रो इंटू जी है गामा लिख देंगे, गामा है रो इंटू जी लिख देंगे। क्लियर है कंसेप्ट यहां तक, बिल्कुल कोई डाउट वाली बात नहीं रखनी है इसको। तो मतलब जिस जिस फैक्टर्स पे, जिन जिन फैक्टर्स पे रो डिपेंड कर रहा था, उन सारे फैक्टर्स पे क्या डिपेंड करेगा स्पेसिफिक वेट, और स्पेसिफिक वेट एक एडिशनल पैरामीटर पे डिपेंड करता है जिसे कहते हैं जी, और जी डिपेंड करता है लोकेशन पे, आप किस ग्रह के प्राणी हैं। अगर हम पृथ्वी पे रहते हैं तो जी की वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माना जाता है, अगर मून पे चले गए तो जी बाई सिक्स हो जाता है, नहीं तो डिपेंड करता है कि आप किस गोले के प्राणी हैं, उस गोले के हिसाब से यहां जी लिख सकते हैं, नहीं सामान्यता जो होते हैं वो धरती गोले के ही प्राणी होते हैं, तो वहां जी की वैल्यू हम लोग 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेते हैं, खत्म कहानी। ये दो प्रॉपर्टी की बात हुई, ठीक है, और डेंसिटी से ज्यादा चलन में ये है, ध्यान रखिएगा बिल्कुल। अब एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है जिसका नाम होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, क्या है स्पेसिफिक ग्रेविटी, समझिएगा ध्यान से, स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसे हम एस से डिनोट करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम एस से डिनोट करते हैं। अब यह समझिए क्या चीज है, बहुत लोग कहते हैं इसको रिलेटिव डेंसिटी, लेकिन नहीं कहना चाहिए, अच्छा नहीं लगता है। रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी में अंतर है, रिलेटिव का मतलब होता है एक के रिस्पेक्ट में दूसरा, अच्छा स्पेसिफिक भी यही है एक के रिस्पेक्ट में दूसरा, लेकिन जिसके रिस्पेक्ट में मान रहे हैं ना वो फिक्स है, ठीक है। कैसे, तो लगे क्या कि इट इज डिफाइंड एज, इट इज, तुम समझना ध्यान से, इट इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइंड एज, क्या, तो रेशियो, डिफाइंड एज रेशियो किसका, तो रेशियो ऑफ डेंसिटी, रेशियो ऑफ डेंसिटी किसकी, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है उसकी डेंसिटी, समझ पाते कि नहीं, इट इज द डिफाइंड एज रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, दूसरा डेंसिटी कौन सा, टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड,
स्टैंडर्ड फ्लूइड। अब क्वेश्चन किसी ने पूछ दिया, सर ये स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या होता है? बोले बताएंगे ना, जरूर बताएंगे, लेकिन सबसे पहले तो ये देख लीजिए आप ध्यान से कि इसको नोटेशन में कैसे लिखेंगे। तो S बराबर हो जाएगा डेंसिटी ऑफ फ्लूइड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। समझ में आता है कि नहीं? डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। और इसको कर लीजिए मार्क, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको सबको हम मार्क करते चलते हैं, ठीक है। अब देखो दोनों डेंसिटी है तो इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट नहीं होती है, इसकी यूनिट नहीं होती है, क्लियर सी बात है। तो लिख सकते हैं आप, इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस क्वांटिटी, समझ में आ बात? क्यों? तो रो की डेंसिटी है केजी पर मीटर क्यूब, स्टैंडर्ड फ्लूइड है उसकी भी होगी केजी पर मीटर क्यूब, तो दोनों यूनिट क्या हो जाएगा? कैंसल आउट, दैट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अभी भी सवाल बना हुआ है, सवाल का जवाब नहीं मिला है। क्या सवाल बना हुआ है कि सर ये स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या होता है बताइए ना? तो बोला गया क्या कि स्टैंडर्ड फ्लूइड की अगर बात करते हैं तो फॉर, अगर हम बात करते हैं लिक्विड, अगर हम लिक्विड ले रहे हैं, स्टैंडर्ड फ्लूइड जो होता है, स्टैंडर्ड फ्लूइड इज वाटर। लिक्विड के लिए जब भी स्टैंड, वो ऑयल है, पेट्रोल है, डीजल है, किरोसिन है, कुछ भी हो, स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या लेंगे? वाटर। और वाटर की डेंसिटी की अगर बात होती है तो ये भी आपको याद रखने रहेगा, कोई देगा नहीं आपको, 1000 केजी पर मीटर क्यूब। और अगर दे दिया तो महान आदमी है, इसी कारण से दिया आपको, नहीं उसको प्रणाम करो, सत सत नमन करो, अदरवाइज ये आपको याद रखना है वैल्यू, क्लियर, ध्यान रखिएगा। और अगर पूछ दे गैस के लिए तो फॉर गैस स्टैंडर्ड फ्लूइड इज एयर, फ्लूइड इज एयर। गैस के लिए स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या है? एयर। और अगर रो एयर की बात कर ले तो रो एयर जो होता है दैट इज कितना? 1.2 केजी पर मीटर क्यूब। कब? एट 20 डिग्री सेल्सियस। यहां पे इस कारण से नहीं लिखे एट, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल हर टेम्परेचर पे अगर पानी है तो उसकी डेंसिटी हम क्या मानते हैं? 1000 केजी पर मीटर क्यूब ही मानते हैं। तो ये दोनों हो गया आपका स्टैंडर्ड फ्लूइड। जब हम मैनोमीटर पढ़ाएंगे ना तो मैनोमीटर में आपको वाटर दिया हुआ है और वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी की आपको जरूरत है, नहीं दिया रहेगा। तो वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, ये सब चीजें आपको याद रखना है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो अगर हम यहां पर बात कर ले आपसे स्पेसिफिक ग्रेविटी की, तो ध्यान रखिएगा, अगर हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर, एस वाटर क्या होता है, किसी ने आपसे पूछ दिया तो बड़े आराम से बताइए उसको, 1 होता है। कैसे? जब हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी चाहिए तो डेंसिटी अपॉन डेंसिटी, किसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी चाहिए? वाटर की। तो रो किसकी? वाटर की। डेंसिटी ऑफ वाटर बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, वाटर लिक्विड है तो स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या होना चाहिए? वाटर। तो रो वाटर बाय रो वाटर दैट इज 1, तो दैट इज 1, बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो ये हो गया आपका रो वाटर। अब देखिए आगे, एक आपको और याद रखना है SHG, जो कि आपको नहीं दिया हुआ रहेगा, फिर वही बात, दे दे तो बहुत महान इंसान है, 13.6। इसका यूनिट नहीं लिख दीजिएगा क्योंकि बिकॉज दिस इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इट इज यूनिटलेस एज वेल एज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, क्लियर। तो ये हो गया आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी। अच्छा एक बार देखिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी S बराबर है क्या? रो फ्लूइड अपॉन रो स्टैंडर्ड फ्लूइड, यही है ना। हम चाहें तो इसको G से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, कोई दिक्कत, रो इंटू जी भी लिख सकते हैं। और अगर आप जानते हैं तो अभी जस्ट कुछ देर पहले आपको बताया है कि रो इंटू जी तो गामा होता है, स्पेसिफिक वेट। तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं क्या,
कि S बराबर स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, यस और नो? तो ऐसे भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो ये दोनों ही फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये सब जाता है शॉर्ट नोट लिखने के लिए। डिफाइन पहला देगा डेंसिटी, दूसरा देगा स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड कॉम्प्रेसिबिलिटी। ले लो 10 नंबर गिफ्ट, 10 नंबर आपका गिफ्ट मिल रहा है, बिल्कुल आराम से रखिएगा। टू द पॉइंट लिखते जाइए, या फिर ऐसा बोल सकता है कि मान लो कि 16 नंबर का क्वेश्चन करना है तो इसी पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल दे देगा, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए अब एक टॉपिक और लेते हैं इसमें, एक है आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम, एक यहीं पे आता है क्या वर्ड, स्पेसिफिक वॉल्यूम, कौन सा होगा ये, फोर्थ मेरे ख्याल से, नहीं थर्ड था ये, अब ये फोर्थ, स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम, जैसे ही स्पेसिफिक वॉल्यूम की बात होगी तो इसे स्मॉल वी से डिनोट कर दीजिएगा, ठीक है, स्मॉल वी से डिनोट किया जाता है इसको। ये होता है आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम, जो होता है ये होता है वॉल्यूम अपॉन मास, वॉल्यूम अपॉन मास, समझ में आया बात, वॉल्यूम अपॉन मास इज नोन एज स्पेसिफिक वॉल्यूम। अगर कोई पूछे कि सर इसकी यूनिट बता सकते हैं क्या, मैंने बोला बिल्कुल बता सकते हैं छोटू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यूनिट वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब, तो वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब, और मास की यूनिट क्या होती है, केजी, तो इसकी यूनिट हो गई मीटर क्यूब पर केजी। और किसी ने अगर पूछ दिया कि सर इसकी डायमेंशन क्या होती है, तो ये भी बता सकते हैं, अगर डायमेंशन की बात करेंगे तो ये भी बता सकते हैं, ये हो गया एम, पहले लिखते हैं नहीं, तो एम माइनस वन और एल थ्री, ये हो गया इसकी डायमेंशन। फिर बोल सकते हैं कि क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या, कि वॉल्यूम लिखा हुआ है ना, वॉल्यूम अपॉन मास, तो इसको 1/m/v लिख दें क्या, हमने बोला बिल्कुल लिखो ना, क्या दिक्कत है, कौन रोकने वाला है, और m by v तो रो होता है, तो इसका मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम इक्वल्स होता है 1/ρ, स्पेसिफिक वॉल्यूम इक्वल्स टू 1/ρ। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा फॉर्मूला, बिल्कुल ये सब राइट शॉर्ट नोट्स में आता है, या डिफाइन दिस दिस दिस, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस फेमस हैं आपके एग्जाम के लिए, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब अगर हम बात करें, ये जो जितने कंसेप्ट हम पढ़े हैं, इन कंसेप्ट पे मन कर रहा है कि एक क्वेश्चन लगा लिया जाए, इन कंसेप्ट पे मन कर रहा है कि क्वेश्चन लगा लिया जाए, मतलब लगाओ ना, देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है क्या, वन लीटर ऑफ ऑयल हैविंग वेट 70 न्यूटन, ऐसे रैंडम क्वेश्चन ले रहे हैं, 1 liter of oil having weight 70 newton, clear? Find, पहला आपको दे दिया डेंसिटी, दूसरा दे दिया आपको स्पेसिफिक वेट, तीसरा दे दिया आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी, और चौथा आपको दे दिया स्पेसिफिक वॉल्यूम। ये बताइए हमें निकाल के क्या होगा, बड़े आराम से बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। और ये सब क्वेश्चंस फेमस, मैंने बोल दिया आपको कि ये सब क्वेश्चंस प्रसिद्ध क्वेश्चंस में आते हैं, और बच्चे बोलते बड़ा टफ क्वेश्चन आया था, न्यूमेरिकल पूछ दिया था, बट देखो कितना आसान सा न्यूमेरिकल है ये। अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करने जा रहे हैं तो देखना ध्यान से, कितना सिंपल सा सॉल्यूशन निकलेगा इसका, 1 लीटर ऑफ ऑयल, लेकिन लीटर तो ऐसा यूनिट है ही नहीं, तो 1 लीटर इक्वल्स टू होता है, पहले आपको ये याद रखना है, 1 लीटर इक्वल्स टू 10^-3 m³, 1 लीटर का मतलब 10^-3 m³, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अच्छा, पहले डेंसिटी नहीं निकल पाएगा, पहले आपको निकलेगा स्पेसिफिक वेट, ध्यान रखिएगा, स्पेसिफिक वेट बराबर क्या होता है,
स्पेसिफिक वेट गामा इक्वल्स टू होता है वेट अपॉन वॉल्यूम। तो वेट आपको पता है कितना, 70 न्यूटन, और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 10^-3 मीटर क्यूब। तो कितना हो जाएगा ये देखो ध्यान से, तो गामा इक्वल्स टू हो गया 7 70,000 यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये हो गया पहला आंसर, इसको बॉक्स में बंद कर देना होता है ताकि एग्जामिनर जो है वो बड़े आराम से देख ले। इसके बाद सेकंड है आपका डेंसिटी निकालना है, सेकंड आपको बोल रहा है डेंसिटी निकालने के लिए, बोला डेंसिटी भी निकालेंगे, रो निकालने के लिए कह रहा है। अच्छा देखो ध्यान से, गामा बराबर होता है रो इंटू जी, सो दिस इंप्लाइज गामा हो गया 70,000। अभी हम कैलकुलेटर यूज नहीं करना चाह रहे हैं, तो हम जी की वैल्यू 10 मान ले रहे हैं, क्लियर, जी की वैल्यू मान लिए 10। तो रो बराबर कितना हो गया, अगर बात करें तो रो बराबर हो गया आपका 7,000 केजी पर मीटर क्यूब। वैसे 9.81 होता है, लेकिन हम कैलकुलेटर यूज करेंगे, टाइम लगेगा, तो आप तो समझ जाएंगे 9 कैसे, कैलकुलेटर तो यूज करना है आपको। वैसे अगर जी की वैल्यू 10 लेने के लिए दिया है तो 10 लेके चलेंगे, अदर नहीं दिया है तो 9.81 लेके चलेंगे, बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट क्या कह रहे निकालने के लिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी एस, तो एस बराबर डेंसिटी ऑफ फ्लूइड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड आपने निकाल लिया 7,000, और ऑयल है तो ऑयल तो लिक्विड ही होगा, और अगर ऑयल लिक्विड ही है तो अपॉन 1000 कर दीजिए, कितना आ जाएगा ये 7, इसका मतलब S इक्वल्स टू निकल गया 7। इसके यूनिट गलती से मत लिख देना फ्लो फ्लो में S की, बिकॉज इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी। और लास्ट पूछ रहा है आपसे क्या, लास्ट बट नॉट लिस्ट, स्पेसिफिक वॉल्यूम, इसे स्मॉल V से डिनोट करते हैं, और क्या होता है 1 upon rho, तो क्या हो जाएगा 1/7000 मीटर क्यूब पर केजी, क्लियर। तो ये निकल गया, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन था, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन के लेवल धीरे धीरे करके बढ़ते चले जाएंगे, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल्स आते हैं जो 8-8 नंबर के न्यूमेरिकल्स होते हैं, ये 8 नंबर का न्यूमेरिकल नहीं है, बिल्कुल ध्यान रखिए, ठीक है। ये आपका मिक्सअप क्वेश्चन देगा कुछ थ्योरी लिखने के लिए और उसके सपोर्टिंग क्वेश्चन में, तो ये आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे कंप्लीट, क्लियर। चलिए अब देखते हैं आगे, एक और प्रॉपर्टी की बात करते हैं जिसका नाम है कॉम्प्रेसिबिलिटी। क्या नाम है, कॉम्प्रेसिबिलिटी। कॉम्प्रेसिबिलिटी को हम बीटा से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है ना। कॉम्प्रेसिबिलिटी वर्ड का मतलब होता है कॉम्प्रेशन एबिलिटी, किसी चीज को अगर हम कॉम्प्रेस करने जा रहे हैं तो कितना कॉम्प्रेस कर सकते हैं, हाउ मच वी कैन कॉम्प्रेस दैट, इसकी बात करते हैं, समझ में आया बात। अब कितना कॉम्प्रेस कर सकते हैं किसी चीज को, अगर हम इसकी बातें करने जा रहे हैं तो उसे कहते हैं कॉम्प्रेसिबिलिटी बीटा। तो मान लो किसी चीज को बहुत ज्यादा कॉम्प्रेस कर सकते हैं, इसका मतलब वो रिजिड नहीं है, और कोई चीज रिजिड है सॉरी अगर कोई चीज रिजिड है तो उसको आप ज्यादा कॉम्प्रेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रिजिडिटी एंड कॉम्प्रेसिबिलिटी जस्ट रिवर्स होता है एक दूसरे के, रिजिडिटी एंड कॉम्प्रेसिबिलिटी बोथ आर जस्ट रिवर्स्ड। तो क्या हम कह सकते हैं कॉम्प्रेसिबिलिटी इक्वल्स टू वन अपॉन रिजिडिटी, बोला क्यों नहीं कह सकते हैं सर, बिल्कुल कह सकते हैं। रिजिडिटी को दिखाएंगे के से, बल्क मॉडुलस से, और कॉम्प्रेसिबिलिटी को दिखाते हैं बीटा से, मतलब बीटा इक्वल्स टू 1/k। और अगर हम बल्क मॉडुलस की बात करते हैं तो देखो ध्यान से, बल्क मॉडुलस इक्वल्स टू होता है बल्क मॉडुलस के इक्वल्स टू होता है डायरेक्ट स्ट्रेस,
डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज नोन एज बल्क मॉडुलस। अब देखो फ्लूइड मैकेनिक्स हम पढ़ रहे हैं, सॉलिड मैकेनिक्स तो पढ़ नहीं रहे। सॉलिड मैकेनिक्स में आप पढ़ेंगे स्ट्रेस जो होता है वो टेंसाइल भी हो सकता है और स्ट्रेस जो होता है वो कॉम्प्रेसिव भी हो सकता है। लेकिन जब फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करते हैं तो प्रेशर की बात करते हैं और प्रेशर इज ऑलवेज कॉम्प्रेसिव इन नेचर। प्रेशर हमेशा कॉम्प्रेस करने का काम करता है, दबाने का काम करता है, या टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। तो क्या हम लिख सकते हैं के इक्वल्स टू हियर, सबसे अच्छा वर्ड यहां यूज कर दीजिए, हियर के इक्वल्स टू चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। एक्चुअली स्ट्रेन क्या होता है पता है? अगर हम किसी चीज पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसके डाइमेंशंस में चेंज होगा, उसे कहते हैं हम स्ट्रेन कैलकुलेशन की बात करते हैं, स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। और किसी चीज पे जब हम फोर्स अप्लाई किए हैं तो उसके डायमेंशन में कितना चेंज हुआ है और उसका ओरिजिनल डायमेंशन था कितना, इन दोनों के रेशियो को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन। यहां पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो जब किसी ऑब्जेक्ट पे हमने फोर्स अप्लाई किया तो उसके वॉल्यूम में चेंजमेंट आया। मान लो पहले वॉल्यूम था 5 मीटर क्यूब, अब वॉल्यूम हो गया 3 मीटर क्यूब, मतलब 2 मीटर क्यूब वॉल्यूम चेंज हो गया और ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था, 5 मीटर क्यूब, तो 2/5 हो गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, 2/5 हो गया आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। बिल्कुल आराम समझिएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से कि अगर हम के की बात कर रहे हैं तो के बराबर क्या हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा चेंज इन प्रेशर डीपी अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो चेंज इन वॉल्यूम डीवी अपॉन वी, अपॉन वी। लेकिन अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, अगर प्रेशर इंक्रीज तो वॉल्यूम डिक्रीज, और अगर प्रेशर डिक्रीज तो वॉल्यूम इंक्रीज। तो इसका मतलब ये जो नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर है वो दोनों अपोजिट नेचर का है, नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर ऑफ अपोजिट नेचर। तो उस अपोजिट नेचर को दिखाने के लिए हम यहां पे एक माइनस साइन लगा देते हैं। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, यहां पे हमने एक माइनस साइन लगा दिया। तो ये हो गया आपका बल्क मॉडुलस, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। और जब हम बात करेंगे, बल्क मॉडुलस हमें निकल गया तो हमें निकालना है, मान लो सपोज कॉम्प्रेसिबिलिटी, तो 1/k कर दो, निकल जाएगा कॉम्प्रेसिबिलिटी, क्लियर सी बात है। अब चलो देखो ध्यान से, बट लेकिन अगर हम बात करें तो रो इक्वल्स टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, रो इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। इसका मतलब अगर हम बात करें मास इक्वल्स टू, तो क्या हो जाएगा, रो इंटू वॉल्यूम। देखो अगर हम प्रेशर टेम्परेचर अप्लाई करेंगे तो रो भी चेंज होगा और वॉल्यूम भी चेंज होगा। अगर हम किसी चीज प्रेशर लगाएंगे तो वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा तो डेंसिटी चेंज होगी। अगर हम किसी चीज को हीट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वॉल्यूम चेंज होगा, और वॉल्यूम चेंज होगा तो डेंसिटी चेंज होगी, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन मास कॉन्स्टेंट रहेगा, लेकिन मास की जो वैल्यू होगी वो कॉन्स्टेंट रहेगी। तो अब देखो ध्यान से इसको, तो अगर हम बात करें वॉल्यूम की, सॉरी अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं रो डीवी, क्योंकि दोनों वेरिएबल है तो एक को कांस्टेंट, एक का डिफ्रेंशिएशन और प्लस दूसरे को कांस्टेंट और पहले का डिफ्रेंशिएशन, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हमेशा जीरो मिलता है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हमेशा जीरो होता है, ध्यान रखिएगा। तो अगर क्या हम ऐसे लिख दें रो डीवी इक्वल्स टू माइनस वी डी रो, रो डी वी इक्वल्स टू माइनस वी डी रो। अब क्या करना है आपको, यहां से निकाल लीजिए आप माइनस डी वी बाई वी इक्वल्स टू क्या, डी रो बाई रो। अब देखो ध्यान से, इसको उठाओ और इक्वेशन 1 में पुट कर दो, पुटिंग दिस कहां पे, इन
इक्वेशन नंबर वन। जैसे आप इक्वेशन वन में पुट करेंगे इसे तो क्या आ जाएगा, ये देखिए ध्यान से, के इक्वल्स टू होगा, के इक्वल्स टू डीपी तो है ही, तो रहने दो डीपी को, और माइनस डीवी बाई वी की जगह पे आ गया है डीरो बाई रो, माइनस डीवी बाई वी की जगह पे आ गया है डीरो बाई रो। तो क्या हम लिख सकते हैं के इक्वल्स टू रो डीपी बाई डीरो, के इक्वल्स टू रो डीपी बाई डीरो। तो ये आ गया नेक्स्ट फॉर्मूला। अब दोनों फॉर्मूला में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब अगर हम के की यूनिट की बात कर लें आपसे, देखिएगा ध्यान से, यूनिट ऑफ के, तो देखो ध्यान से, डेंसिटी और डेंसिटी इसका यूनिट तो कैंसिल हो जाएगा, तो जो यूनिट प्रेशर का होता है वही यूनिट किसकी होगी, बल्क मॉडुलस की। और प्रेशर का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फोर्स अपॉन एरिया। और अगर हम इसके डायमेंशन की बात करें तो क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से, न्यूटन फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, ऐसे बोल बोल के लिखना है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहां पे हो गया मीटर स्क्वायर, तो एक मीटर से एक मीटर कैंसिल, ये हो गया एम एल माइनस वन टी माइनस टू, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, दैट इज डायमेंशन। क्लियर कंसेप्ट, चलिए अब देखिए ध्यान से। लेकिन बात क्या है, हमें तो के की बात ही नहीं है, रिजिडिटी की बात करते हैं हम सॉलिड के लिए, कॉम्प्रेसिबिलिटी की बात करते हैं हम फ्लूइड के लिए। तो अगर हमें यहां बीटा निकालना था तो क्या बीटा इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं वन अपॉन के, तो इसका मतलब क्या हम लिख सकते हैं बीटा इक्वल्स टू वन अपॉन के है, तो वन अपॉन के का मतलब हो गया ये डीरो अपॉन रो डीपी, डीरो अपॉन रो डीपी, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब समझिए ध्यान से इस चीज को, बीटा इक्वल्स हो गया डीरो अपॉन रो डीपी। अगर बीटा की वैल्यू जीरो है, इसका मतलब आप क्या समझिएगा, अगर बीटा की वैल्यू जीरो है तो इसका मतलब आप समझिएगा क्या, अगर बीटा की वैल्यू जीरो है इसका मतलब फ्लूइड कॉम्प्रेस नहीं हो रहा है। इफ बीटा इक्वल्स टू जीरो, इफ बीटा इक्वल्स टू जीरो देन फ्लूइड विल बी इनकॉम्प्रेसिबल, फ्लूइड विल बी इनकॉम्प्रेसिबल। इनकॉम्प्रेसिबल, समझिएगा ध्यान से, अगर बीटा की वैल्यू जीरो है तो फ्लूइड इनकॉम्प्रेसिबल होगा। पहला चीज क्लियर। अब दूसरा चीज देखिए ध्यान से, बीटा इक्वल्स टू जीरो, इफ बीटा कब जीरो होगा, जब डीरो की वैल्यू जीरो होगी, क्योंकि अगर नॉमिनेटर जीरो हो गया तो बीटा जीरो हो जाएगा। तो बीटा इक्वल्स टू जीरो इफ डीरो इक्वल्स टू जीरो, और डीरो इक्वल्स टू जीरो इसका मतलब हो गया रो इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, इसका मतलब हो गया रो इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अब दोनों सेंटेंस को मिला दो, फ्लूइड विल बी इनकॉम्प्रेसिबल इफ डेंसिटी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, अगर किसी फ्लूइड की डेंसिटी थ्रू आउट कॉन्स्टेंट होती है, अगर किसी फ्लूइड की डेंसिटी थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहती है तो उसे हम कहेंगे इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड। ठीक है, इफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, इफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड रिमेन्स कॉन्स्टेंट, रिमेन्स कॉन्स्टेंट, then fluid will be क्या, incompressible। दुनिया में ऐसा कोई fluid नहीं है जो incompressible होता हो, लेकिन कुछ fluid को हम incompressible मानते हैं। क्यों मानते हैं, क्योंकि change उसमें भी तो होता है लेकिन बहुत कम, almost all negligible, ऑलमोस्ट ऑल नेग्लेजिबल। एक मच्छर ने काट लिया, खून निकाल लिया शरीर से, अब बोलेंगे कमजोरी लग रही है, मेरा तो खून पी गया मच्छर, कितना पिएगा, नहीं 5.5 लीटर खून है, कितना पी लेगा वो, तो ऑब्वियस सी बात है दैट इज कंसीडर्ड एज जीरो। ऐसा थोड़ा ना कि भाई खून पी ले तो बोलेंगे नहीं अब कमी हो गई, अब तो कमजोरी लगने लगा, अब तो हम बैठ जाते हैं,
नहीं, वही कोई निकाल लेगा तो ऑब्वियस बात लगेगा, मच्छर के काटने से तो नहीं लगेगा ना ऐसा। तो बस वही चीज है यहां पे। लिक्विड के केस में अगर हम बात करते हैं तो उसको इनकॉम्प्रेसिबल माना जाता है, क्योंकि उसकी डेंसिटी में ऑलमोस्ट ऑल जो चेंज होती है वो नेग्लिजिबल होती है। क्लियर? तो यहां पे आप स्टार मार करके पॉइंट लिख सकते हैं, जनरली लिक्विड्स आर ट्रीटेड एज, माना जाता है, होता नहीं है, ट्रीटेड एज इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड। इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड, सामान्यतः लिक्विड को हम इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड मानते हैं। क्लियर? ये कुछ एक प्रॉपर्टीज की हम बात कर रहे हैं आपसे, कुछ प्रॉपर्टीज कल भी कंटिन्यू रखेंगे, इस पे कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, तो मिलेंगे फिर। लेकिन इसको रिवाइज करते रहिएगा, क्योंकि जब प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे ना तो बहुत मजा आएगा। कैसे लिखा जाता है आपके जब यूनिट के क्वेश्चंस करवाएंगे तो माइंड ब्लोइंग चीज हो जाएगी फिर वो। ठीक है, इसको रिवीजन कीजिएगा, एक बार देखिए, दो बार देखिए, कोई डाउट होता है तो कमेंट कीजिए। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।